इस बुलेटिन के प्रायोजक है संकट मोचन इंटर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जय सिंहपुर तहसील का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बुलेटिन के प्रायोजक है सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के पांडे बाजार में हुआ भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 7 मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल, गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के बिराईपुर में परीक्षा देने जा रहे बाइक समेत 2 छात्र नहर में डूबे। डूबने से 1 छात्र की मौत, दूसरे छात्र ने तैर कर बचाई जान। पुलिस की मदद से निकाली गई दूसरे छात्र की लाश। लगातार प्रशासन से बेखौफ नजर आ रहे बदमाश, सुल्तानपुर नगर कोतवाली के अमहट में व्यापारी को बंधक बनाकर की लूट। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश मौके से हुए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। सुल्तानपुर जिले के हलियापुर में थाने के बाहर चप्पलों से किया गया फैसला, मारपीट के आरोपी के चप्पलों से की गई पिटाई, पिटाई के शर्त के बाद की गई मामले की सुलह। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, बीच बचाव कर रहे प्रधान प्रतिनिधि जगन्नाथ सिंह ने बताया हंसी मजाक। सुल्तानपुर की DMC इंदुमती ने जिला अस्पताल पहुंचकर जाना रेप पीड़िता का हाल। पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CVN त्रिपाठी को जांच और उपचार के लिए दिया निर्देश। सुल्तानपुर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर RA वर्मा ने आयोजित किया अभिनंदन कार्यक्रम, पार्टी पदाधिकारियों का किया स्वागत और अभिनंदन। नवनियुक्त पदाधिकारियों को बताई जिम्मेदारियां, जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी ने किया कार्यक्रम का संचालन। सुल्तानपुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में नशीला पदार्थ खिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म, न्याय के लिए दर दर भटक रही महिला, पीड़िता ने लगाया पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप। सुल्तानपुर जिले में वैलेंटाइन डे पर मिले 2 प्यार के परवाने, जाति धर्म माँ बाप और समाज नहीं आ सका आड़े, स्थानीय पुलिस की मदद से थाना परिसर में ही रचाई शादी। बल्दीराय थाना क्षेत्र के मजरे रसहरा का मामला। सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाने पर समाधान दिवस का आयोजन, जिलाधिकारी श्री इंदुमती और SP शिवहरी मीणा रहे मौजूद। DM और SP ने सुनी जन समस्याएं, फरियादियों की समस्याएं सुनकर दिए निस्तारण के आदेश। अमेठी जिले के तिलोई तहसील में लेखपाल और वकील हुए आमने सामने। अमल दरामद को लेकर वकील अनिल कुमार और लेखपाल नितिन त्रिपाठी के बीच हुए विवाद के बाद बढ़ा तनाव, SDM ने की बीच बचाव की नाकाम कोशिश। अमेठी में बढ़ती महंगाई को लेकर सपा का प्रदर्शन, निवर्तमान जिला महासचिव गुंजन सिंह के नेतृत्व में सपाइयों ने मिट्टी का चूल्हा लेकर किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। अमेठी जिले के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में दी गई पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि, UPSIDC आवासीय कॉलोनी रोड नंबर 1 तक बच्चों ने निकाली कैंडल मार्च। अमेठी जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम निवास अग्रवाल ने कहा दुनिया को अलविदा, लंबे समय से बीमार चल रहे थे राम निवास अग्रवाल, मौत की खबर सुनकर देखने वालों की लगी भीड़। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने की कार्यशाला को किया जा सकता है शिफ्ट, 1990 में रामघाट में बनी कार्यशाला को राम जन्मभूमि पर शिफ्ट करने का चल रहा है विचार, 19 फरवरी की बैठक में ट्रस्ट लेगा फैसला। प्रतापगढ़ कंधही थाना क्षेत्र के श्रीनाथपुर में डिप्रेशन के शिकार युवक ने फांसी लगा कर दी जान। नन्हे राम गुप्ता नाम का युवक पिछले 1 साल से मानसिक विकार से था पीड़ित, युवक की मौत से परिजनों में मचा हाहाकार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के अकारीपुर गाँव में DCM की टक्कर से टूटे बिजली के पोल, दर्जनों घरों में छाया अंधेरा, ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना, चालक को गिरफ्तार कर थाने लाई पुलिस। बाराबंकी पहुंची प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी सम्मेलन के तहत दौलतपुर में किसानों को किया सम्मानित, खेती को लेकर पद्मश्री विजेता रामचरण से मिली राज्यपाल। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।